और इसके साथ साथ ढांचा निर्माण की जरूरत पर आलोकपात किया। देव वर्मा ने ये भी कहा कि पर्यटन के द्वारा दिमाहासाव के लोगों को 100 रोजगार भी प्राप्त होगी। तब से मेरा मन लग रहा था कि मैं इधर आऊं, दिमाहासाव में आऊं, हाफलोंग में आए, हाफलोंग में आके इसका टूरिज्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ का जो स्टेक होल्डर है, यहाँ का जो लोकल लोग हैं जो टूरिज्म का आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को प्रोत्साहन दें, इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग की तरफ से जितना सारा काम काज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको प्रोवाइड करें। आप लोग को सबको मालूम है कि स्टेट टूरिज्म भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग को आगे उनके साथ कोऑपरेट करके इस इतना ब्यूटीफुल एक जगह है हाफलोंग इट्सेल्फ सो ब्यूटीफुल, इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको कैसे और हाईली पब्लिसाइज करके पूरा वर्ल्ड टूरिज्म मैप में इसको एक ब्राइट एक स्पॉट सबसे दर्जा दिया जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाहता हूँ। हम इसको अच्छे से पब्लिसाइज करना चाहता हूँ, इसीलिए ये हम लोग का एक मौका उठाया। यूट्यूबर ने यहाँ पे आए, जो गुवाहाटी से हम लोग लेके आए, हम लोग यही सोचते हैं कि ये यूट्यूबर हाफलोंग को अच्छे से पब्लिसाइज करेंगे, जाटिंगा को अपना अच्छे से पब्लिसाइज करेंगे। एज ए होल दिमाहासाव का जो टूरिज्म इतना ब्यूटीफुल जो एक लैंड है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एंड अनदर थिंग इज दैट अभी सबको आपको मालूम है कि एक विश्व अतिमारी चल रहे है, ग्लोबल पैंडेमिक चल रहे, तो ग्लोबल पैंडेमिक के टाइम सब कुछ लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन काफ़ी महीने तक चले, लॉकडाउन के बाद एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन अभी शुरू हो रहे हैं, तो ये न्यू नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग अभी रास्ते में उभर के आए। हम लोग काफ़ी प्रोग्राम पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म कर लिया था, तो अभी है कि अभी नो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो ये है, अभी क्या है, अभी हम लोग फिजिकली अभी मूवमेंट करना शुरू कर दिया, हर जगह पे जा रहे, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी आ गए, तो हम लोग इसको आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स रेगुलेशंस जो है, वो तिमारी के टाइम में जैसे हैंड सैनिटाइजर रखो, मास्क पहनो, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, तो यही समझ के आने वाला कुछ दिनों तक हम लोग को टूरिज़्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप लोग घर में बैठ के सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म में करते जाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म में करते जाएंगे तो हम लोग का ना आगे बढ़ेगा बिजनेस, ना किसी का होगा रोटी रोजी, किसी एक हद तक का हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं अपना पब्लिसिटी करने के लिए, लेकिन किसी एक जगह का आनंद उठाने के लिए, इसको लुभाने के लिए, इसको वहाँ पर उस जगह पर आना ही पड़ेगा, तो यही था मकसद। तो हम आप लोगों को बेस्ट विशेस करना चाहता हूँ, आप लोग को बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, यहाँ का मीडिया भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये यहाँ का जो मीडिया है, आप लोगों की एक काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ का टूरिज़्म को आगे बढ़ाने की। तो मैं यार कुछ नहीं बोलना चाहता, आप लोग अच्छे से रहे, यहाँ का टूरिज़्म को अच्छे से रहे, अच्छे से बढ़ाने की कोशिश करिए, आप लोग अच्छे से रहिए। थैंक यू। न्यूज़ बैरल में बने रहने के लिए धन्यवाद।